हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे न्यूक्लियर फिजिक्स, उसको आज एंड करते हैं। लास्ट हम क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे इनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नहीं एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, मिनिमम के ऑफ रिक्वायर्ड टू फॉर एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, और फिर पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, और एक हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसमें कि एक्सरे निकलता है, राइट। सो फर्स्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास एक कोई न्यूक्लियाई है एक्स, इट्स अ 92 234। बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा बीटा डिके इट गोज टू वाई 82 206। देन क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, मैं आपको बहुत आके टू गेन स्टेबिलिटी, सम न्यूक्लियाई गोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, और ये चेंज भी हो सकता है, मींस एक्स से वाई में एक चेंज रिएक्शन होगा, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, जहां पे अल्फा और बीटा माइनस है। सो अगर हम मान लेते हैं कि एक्स से वाई कोई एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई था, वो जाता है स्टेबल न्यूक्लियाई वाई में बाय चेन डिके ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस, देन हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एमिटेड अल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल, कितना अल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल निकलेगा। ऑप्शन ए 7 अल्फा 7 बीटा माइनस। सेवन अल्फा टेन बीटा माइनस, सेवन अल्फा फाइव बीटा माइनस, सेवन अल्फा फोर बीटा माइनस। नोट, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल्स एमिटेड। बहुत ही मतलब हर जगह पूछता है, एनटीएससी से लेकर जेड एडवांस तक पूछा हुआ है। इनफैक्ट ऐसे कौन जेड एडवांस 17 18 में पूछा है, बिल्कुल सेम टाइप का डाटा कुछ अलग रहा होगा। हो गया क्या? पक्का? ओके, सिंपल है, हमको निकाला नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस। अच्छा बताओ, कोई भी बीटा माइनस डीके में नो चेंज इन मास, राइट, नो चेंज इन मास नंबर, मीन्स जो भी मास नंबर चेंज होगा होगा ड्यू टू अल्फा डिके। सो यहां पे मास नंबर कितने से चेंज हुआ है? 28, राइट। 234 माइनस 206 कितना है? 28। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड 28/4 7। तो सबसे पहले यह स्ट्राइक करना कि जो भी चेंज इन मास नंबर है That can be only due to alpha decay, और यहां पे change in mass number है 28, so number of alpha particle emitted will be 7, 28/4, okay। अब 7 alpha particle से due to alpha decay, what will be change in number of atomic number due to alpha decay, z क्या, delta z क्या होगा? It will be 9 7 into 2 40। मतलब इससे 14 जेड डिक्रीज होगा ड्यू टू अल्फा डिके, बट रियल में यहां से यहां 10 डिक्रीज, मतलब 4 इंक्रीज हुआ, किसके कारण? बीटा माइनस कारण। हमको पता है कि ड्यू टू बीटा माइनस डिके जेड इंक्रीजेस बाय +1, राइट। आपको हम बताए थे अगर ये कोई एक्स जेड है, अगर बीटा माइनस डिके होता है तो होता है वाई जेड +1 ए +E -1 0 एंड एंडिंग न्यूट्रॉन पार्टिकल। सो जो भी चेंज इन मास नंबर है वो सिर्फ होगा अल्फा के कारण, यहाँ पे चेंज इन मास नंबर 28 है, सो 7 अल्फा निकल गया, उससे 14 मास एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, सो 14 अगर डिक्रीज हुआ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, सॉरी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो अगर 14 हुआ अल्टीमेटली यहां से यहां 10 है, मतलब 4 बीटा माइनस, तभी तो बनेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ए न्यूक्लियस ऑफ आर ए
88 to 26, इट गोज टू Rn. So nuclei of this emits alpha particle and forms Rn 86 to 22, right? Which is on this by emitting alpha particles of Ke 4.44 mega electron volt. 4.44 mega electron volt. If nucleons of Rn 86 to 22 are in excited state and they go to ground state by emitting gamma radiations, then find energy of emitted gamma. Question clear है? हमारे पास एक न्यूक्लियस दिया हुआ है, वो अल्फा, वो इनिशियली रेस्ट में, is at rest and emits alpha particles. और वो form किया Rn 86 to 22, right? इसलिए nucleus excited state में है, कारण जब आपको alpha particle दिया हुआ है 4.44 mega electron volt, then you have to find energy of gamma. पर दिक्कत, मैं कुछ डाटा दूंगा आपको, option लिख लेते हैं, option A. 235 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन बी 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन सी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन डी नोटा. आपको डाटा क्या क्या चाहिए? ओके, एटॉमिक मास ऑफ आरएच 226.005 यू. एटॉमिक मास ऑफ आरएन इज 222.00. एटॉमिक मास ऑफ एची इज 4.00 यू एंड 1 यू इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है? फटाफट कीजिए, फटाफट. ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट क्लास के लास्ट में करवाया था और ये जेड वांस 2019 में पूछा है और ऐसा आई थिंक 2016 में या 15 में पूछा था बीटा पार्टिकल को लेके, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन. वहां पे यहां पे अल्फा, वहां बीटा था, बीटा माइनस हो गया. चलो अब मैं करता हूं. मैं आपको लास्ट में बताया था कि मोस्टली जितने भी अल्फा बीटा डिके होते हैं उसमें इनिशियली निकला क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में. सो आपको यहां पे दिया हुआ है, हमारे पास इनिशियली है आरए 226.88, इट गोज टू आरएन 86.222 स्टार प्लस एची 24, राइट? और फिर आर एन जो है ये मेरा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा. दिस गोज टू आर एन 86 to 22 ग्राउंड स्टेट प्लस गामा. ये हो रहा है. तो
आपको इसका के दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर इस रिएक्शन का क्या कुछ क्यू वैल्यू है, सो यहाँ पे कुछ एनर्जी ई निकल रहा है, सो यहाँ पे एनर्जी कितना इमिट हुआ, क्यू माइनस ई, हम लोग लास्ट में कर चुके हैं। सो के ई ऑफ अल्फा जो होगा, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हुए हैं, के ई ऑफ अल्फा क्या होगा, 222 डिवाइड बाय, बोलो, 226 इंटू क्यू माइनस ई, याद है? बिकॉज यहाँ पे जो अवेलेबल पर ये रेस्ट में था, राइट? तो यहाँ पे कुछ के ही था नहीं, तो जो क्यू वैल्यू होगा वो इस क्यू वैल्यू टोटल रिएक्शन में होता, तो जो भी क्यू वैल्यू है वो इसके के ही प्लस गांव में जा रहा है। तो इस रिएक्शन में जो के मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, क्यू माइनस ई, बिकॉज ई तो वैल्यू अपने पास रखे हुए जो गांव को दे देगा, राइट? सो के ई ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको दिया हुआ है 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is equal to 222 by 226 into q minus e. So q minus e equal to 4.44 into 226 by 222 mega electron volt. It's a 444, so 0.02. That is equal to 4.52 mega electron. सिंपल है, क्यू वैल्यू में क्या होगा आपको हम बता चुके हैं बहुत बार अल्फा पार्टिकल के लिए, हम लोग स्टार्ट करें न्यूक्लियस के मास से, सो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एच, यही तो करते आ रहे हैं, इंटू सी स्क्वायर डेल्टा निकाल लेते हैं। न्यूक्लियस से स्टार्ट किए, वो पता है इसमें इलेक्ट्रॉन का मास कट जाएगा, बहुत बार कट चुके हैं, सो मास ऑफ आर एटम माइनस मास ऑफ रेडॉन एटम माइनस मास ऑफ एच एटम, so it is 226.005 minus 222 minus 4, this much u, so q value is delta mc square, so 0.005 into 931 this much mega electron volt, because question में दिया हुआ है 1 u is 931 mega electron volt per c square, ये कितना होगा, 5 into 5 5 into 15 this 4.655 this much MeV, right? So Q minus E is 4.52. Okay, so यहाँ से निकल जाएगा Q कितना है 4. तो E equal to Q minus 4.52 mega electron volt. That is 4.655 minus 4.52 mega electron volt. अरे भाई, जब हम एक बार Q वैल्यू निकाल लिए और हम Q माइनस E निकाले हुए थे, मैं फिर से ध्यान दिखा रहा हूं, Q माइनस E हमने पहले निकाला था 4.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Q वैल्यू ये है 4.655 माइनस E इक्वल टू 4.52, so E equal to 4.655 minus 4.52 this much mega electron volt, that is equal to 135 kilo electron volt। अतः इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बीटा और गामा को मिक्सअप करके एक बार जे पूछा हुआ है, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूं, आप लोग खुद करना, क्वेश्चन में है। आगे बढ़ते हैं, आगे का चीज बहुत आसान है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मैं आपको बोल चुका हूँ, कंप्लीटली सेम है विदाउट एनी डिफरेंस, वहां पे बस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कोई अंतर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, सो रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी ठीक है,
मान ले हमारे पास कोई एक्स है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर और ये वाई स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है और ये स्टेबल है। सो हमने क्या एक्सपेरिमेंटली देखा, इसका जो होता है रेडियो एक्टिविटी का जो रेट ऑफ डिके है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिके, माइनस को लगाया बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियर एक्स का डिक्रीज हो रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एक्स एट एनी टाइम। एक्स एक रेडियो एक्टिव है उससे वाई स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, इस ये जो डिके हो रहा है इसका जो रेट ऑफ डिके है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको एक्टिविटी जब भी पूछे लोग कंफ्यूज करते हैं डिके कॉन्स्टेंट से, ये क्या है एक्टिविटी, दैट इज रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी एन एक्स बाय डी टी, माइनस क्यों बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियर परसेंट, यही आपको मिल हर जगह लिखा लिखा मिलता है माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन। सो मैंने यहां पर जानबूझ के लिखा है कि ये n किसका एक्स का, मतलब जो इसको हम बोल रहे हैं पेरेंट न्यूक्लियर और इसको बोलते हैं डाउटर। सो जो पेरेंट न्यूक्लियर है उसका जो रेट ऑफ डिके है उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियर के प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका किसी टाइम पे कितना न्यूक्लियर है उसके प्रोपोर्शनल है, राइट। कंफ्यूज मत करना इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियर वाई से, ठीक। So, minus d by d equal to lambda n में यहाँ पे n किसका है पेरेंट का नंबर ऑफ न्यूक्लियर है, lambda is called decay constant, lambda is called decay constant। फटाफट करो इसका यूनिट क्या होगा, ये है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियर पर सेकेंड है, अल्टीमेटली इसका ऐसा यूनिट होगा पर सेकेंड होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका पर सेकेंड। इतना पहले छापो फिर मैं आगे बताता हूं, फटाफट इसको नोट करो जल्दी जल्दी छाप लिए। अब थोड़ा इस पे बात करते हैं, ये जो माइनस डीएन बाई डी टी है, हम कहेंगे क्या माइनस डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ओके। अब माइनस डीएन बाई डी टी इज कॉल्ड एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके, क्या बोलते हैं एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके, इसका असाइनमेंट क्या है डीपीएस डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके, या वेक्टरल वन वेक्टरल इक्वल टू वन डीपीएस, और यूनिट है वन क्यूरी इक्वल टू आपको सब याद रखना है 3.7 × 10 डीपीएस, वन रदरफोर्ड इक्वल टू 10^6 डीपीएस, ये सब डाटा आपको याद रखना है, क्रॉस चेक कर लेना इसे हमको तय सही होगा, यहां तक कोई डाउट है नहीं। सो आपको लोग गलती करते हैं एक्टिविटी जब पूछा मतलब एक्टिविटी मतलब क्या पूछा, एक्टिविटी मतलब पूछा आपको डीएन बाई डी टी तरह लैम्डा इंटू एन, राइट ओके। अब आगे बढ़ते हैं, पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करता हूं फिर क्वेश्चन लोग लाइव क्लास में करेंगे। सो माइनस डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ओके। सो यहां से आएगा माइनस डीएन बाई एन इक्वल टू लैम्डा डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा माइनस डी, चलिए डीएन बाई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा डी टी एट टी इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ न्यूक्लियर लेट्स अज्यूम एन नॉट, हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूक्लियर टाइम ही टाइम टी, सो यार एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर
ओके सो यहां से अगर इंडिकेशन एल एन एन बाय एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, सो एन इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी. सो नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट एनी टाइम टी इज एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी. इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ न्यूक्लिया डिक्रीज कर रहा है. इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लिया एन नॉट है, इस नंबर ऑफ न्यूक्लिया कोई डाउट? सो एन है किसी भी टाइम पे कितना न्यूक्लिया बचा है. सो अगर आपको पूछे नंबर ऑफ न्यूक्लिया कन्वर्टेड इनटू वाई, वेन एक्स से वाई जा रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. नंबर ऑफ न्यूक्लिया कन्वर्टेड इनटू वाई इन टाइम टी क्या होगा? सो इतना न्यूक्लिया एक्स का बचा है, ये एक्स का बचा और इनिशियली कितना था एन नॉट. सो कितना कन्वर्ट किया एन नॉट माइनस दिस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो इतना न्यूक्लिया कन्वर्ट कर चुका है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया एन नॉट था. फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट एनी टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एक्स एट एनी टाइम टी इज दिस, मतलब पहले एन नॉट था अब इतना बचा, मींस जो सब्ट्रैक्शन है उतना न्यूक्लियर वाई का बन चुका है. कोई दिक्कत नहीं? ओके. अगर जैसे हम लिखे थे, बस एक चीज को समझो, माइनस ऑफ ये हमने लिखा, अब बताओ अगर पूछेगा अगर x से y जा रहा है, x है पेरेंट और y है डाउटर जो कि स्टेबल है, इसका आगे कोई फर्दर डिके नहीं है. सो डी एन वाई बाई डी टी क्या होगा? सही या गलत? गलत. तो यहां पे जिस रेट से एक्स डिके हो रहा है उसे वे वाई के बनने का रेट है, या रेट ऑफ डिके है, ये वाई के बनने का रेट वही है जिस रेट से एक्स डिके कर रहा है. सो इट विल बी लैम्डा एन एक्स, यहां माइनस में आ रहा है बिकॉज यहां पे वाई बन रहा है, उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियर बढ़ रहा है. कोई दिक्कत? देखो निकालते हैं. तो यहां से आएगा डी एन वाई बाय डी टी लैम्डा, एन एक्स क्या था अभी निकाल के एट एनी टाइम टी, ये राइट. सो यहां से निकलेगा डी एन वाई इक्वल टू लैम्डा इनटू एन नॉट दिस. आपको सब कुछ दिखा रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस है, अदरवाइज स्टोरी यहां पे कंप्लीट हो चुका है. हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूक्लियर वाई एट एनी टाइम टी, नाउ इंडिकेटिंग बोथ साइड डी एन वाई इक्वल टू लैम्डा एन नॉट इक्वल माइनस लैम्डा टी डी टी. नाउ एट टी इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वाई जीरो, इनिशियली वाई जीरो था भाई, एक्स से वाई बन रहा है, एक्स का एन नॉट था वाई का जीरो था, हमको कोई टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वाई निकालना है. सो इट विल बी नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वाई इज लैम्डा एन नॉट. ओके, इसका इंडिकेशन माइनस वन बाय लैम्डा इट ऑफ माइनस लैम्डा टी, पुट लिमिट जीरो टू टी. सो दिस वर्ड कैंसल, इट्स एन नॉट इट ऑफ माइनस लैम्डा टी माइनस वन, फिर से सेम थिंग आ गया, वही तो आ गया. इतना करने की जरूरत नहीं है, जितना एक्स डिके किया उतना वाई बन रहा है, यहां पे वाई स्टेबल है. सो किसी भी टाइम टी पे इस केस में हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वाई निकालना है, बहुत आसान है कि आप एक्स का नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकाल लो और अब एक्स का डिके किया इस नंबर ऑफ न्यूक्लियर माइनस जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर है, इतना एक्स डिके किया उतना ही वाई बना है.
क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट कि मैं आपको बस कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको दिखाया कि आपको यहां पे लैम्डा एन वाई नहीं लिखना है, बिकॉज यह रेट ऑफ रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डिके इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं, मतलब लॉ ऑफ डिके बोलते हैं। यहां पे यह होता है जिस रेट से डिके कर रहा है, दैट रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियर। सो ये डिके रेट है लैम्डा एन एक्स, ये बनने का रेट, जिस रेट से डिके हुआ वही उसके बनने का रेट होगा। क्लियर? ओके, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एक आता है हाफ लाइफ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिकली बहुत लोग यूज करते हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मीन्स टाइम आफ्टर व्हिच नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। मतलब अगर मान लिए इनिशियली एन नोट है, एन नोट से एन नोट बाय टू बनने में जो टाइम लगा दैट इज डी हाफ। सिंपल है, अगर मेरा फाइनल नंबर ऑफ निकला है एन नोट बाय टू दैट इज इक्वल टू एन नोट इट पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, दिस गॉट कैंसल्ड, वन बाय टू इक्वल टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, सो माइनस एल एन टू इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ, so t half equal to ln 2 by lambda that equal to 0.693 by lambda, so half life क्या हो गया 0.693 by lambda। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि half life is ln 2 by lambda, और ये भी बोर्ड के सिलेबस से हट गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ पे फोकस भी नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, मीन लाइफ को मेरे को कहीं पूछने वाला नहीं है, बट बहुत आसान प्रूफ है मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, दैट इज कॉल्ड टी एवरेज, इट्स अ वन बाय लैम्डा। टी एवरेज क्या है? वन बाय लैम्डा। सो अब बताओ कौन बड़ा है, ये हम जो लिखे हैं इट्स अ ट्रू और फॉल्स, फॉल्स आ रहा है, दिख रहा है ये है वन बाय लैम्डा, ये है 0.693 बाय लैम्डा, इन फैक्ट टी एवरेज अगर आप निकालोगे इट इज 1.44 टी हाफ, ये होता है means mean life is 1.44 times of half life। वो दिख रहा है यार कि वहां पे कौन बड़ा है, mean life 1 by lambda है, t half 0.693 by lambda है, so बड़ा कौन है? mean life, mean life is 1.44 times of half life। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं, ओके आगे बढ़ें, फटाफट को नोट करो, फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन कर लेता है, एक क्वेश्चन करता है। अच्छा इसको ग्राफ में दिखाएं, ग्राफ में बात दिखाएं तब को हिंदी मिल जाएगा। इफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज and not, then find number of nuclei
रेडियो निकला है, इतने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव निकला है, एन नोट देन फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर वन मीन लाइफ, ऑप्शन ए 0.5 एन नोट, ऑप्शन बी 0.37 एन नोट, ऑप्शन सी 0.63 एन नोट, ऑप्शन डी एन नोट, ऑप्शन ई नोट। वी हैव अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर, इनिशियल ऑफ न्यूक्लियर एन नोट, देन क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर वन मीन लाइफ, हो गया। सिंपल है, एन इक्वल टू हमको ये फॉर्मूला लगाना है आफ्टर टाइम टी, सो एन इज एन नोट इन पावर माइनस लैम्डा, मीन लाइफ इज वन बाय लैम्डा, सो इट्स एन नोट बाय ई, ये हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, इट्स 0.37 एन नोट, राइट, सो 0.37 एन नोट। सो अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें नंबर ऑफ न्यूक्लियर और टाइम जब हम आपको ग्राफ बनाए थे, अब मान लिए ये क्या होगा टी हाफ और टी एवरेज उससे बड़ा है, इट्स अ टी एवरेज, यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या होगा आफ्टर हाफ लाइफ 0.5 एंड नॉट, एंड आफ्टर मीन लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज 0.37 एंड नॉट, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब आगे बढ़, अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्पेशली फॉर जे एडवांस, बार बार उसी पे क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत ही आसान है बट बार बार पूछता है, क्या है देखते हैं। हमने बोला आफ्टर हाफ लाइफ इट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, राइट, सो अगर पहले एन नोट था सो वन हाफ लाइफ वाज कर लेगा एन नोट बाय टू, अब नेक्स्ट हाफ लाइफ मतलब इसके बाद इसका आधा हो जाएगा एन नोट बाय फोर, उसको हो जाएगा एन नोट बाय एट, उसका एन नोट बाय 16, सो ऑन, सो आफ्टर वन हाफ लाइफ इट्स एन नोट बाय टू, आफ्टर टू हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या हो गया एन नोट इन टू वन बाई टू स्क्वायर, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या हो गया एन नोट वन बाई टू टू दावर थ्री, आफ्टर फोर हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्या हो गया एन नोट वन बाई टू टू दावर फोर, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ सेकेंड हाफ लाइफ थर्ड हाफ लाइफ फोर्थ हाफ लाइफ, तो आफ्टर एन हाफ लाइफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज एन नोट वन बाय टू द पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको देखना है जब भी क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टाइम, देयर इज मैक्सिमम चांस कि वो हाफ लाइफ के मल्टीपल में होगा, नहीं आता है तभी आप इसको लगाओ, इस फॉर्मूला पे तुरंत मत टूट पड़ना, अगर टाइम पूछे पहले आप इस पे जाना, मैक्सिमम चांस जो टाइम आ रहा है वो होगा एन इंटू टी हाफ, मतलब टी हाफ के मल्टीपल में है, सो डायरेक्ट वहां से आंसर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देता हूं, आईडी ने पूछा कुछ इस तरह का, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखिए इफ रेडिएशन लेवल इन अ लेबोरेटरी, लिखूंगा नहीं, इफ रेडिएशन लेवल इन अ लेबोरेटरी इज 16 टाइम्स ऑफ सेफ वर्किंग लिमिट, इफ रेडिएशन लेवल इन अ लेबोरेटरी इज 16 टाइम्स ऑफ सेफ वर्किंग लिमिट, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट इज 2 आवर्स, देन After how much time
लेबोरेटरी विल बी सेफ फॉर वर्क. रेडिएशन लेवल इन लेबोरेटरी इज 16 टाइम्स ऑफ सेफ वर्किंग लिमिट. इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट इज 2 आवर्स देन आफ्टर हाउ मच टाइम लेबोरेटरी विल बी सेफ फॉर वर्क. ऑप्शन ए. फटाफट हो गया. अब देखो रेडिएशन मतलब क्या एक्टिविटी. अब हमने देखा कि n इज n नॉट इनटू 1 बाय द पावर n. सो अगर हम एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी क्या था, लैम्डा n. सो अगर लैम्डा मतलब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा. मतलब एक्टिविटी आफ्टर एन हाफ लाइफ विल बी इनिशियल एक्टिविटी इन टू वन बाय टू द पावर एन. यस और नो. एक्टिविटी आफ्टर एन हाफ लाइफ विल बी दिस. सिमिलर यू कैन ऑल्सो राइट एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी विल बी दिस. जिस तरह से हमने एन का इक्वेशन निकाला, एन आफ्टर टाइम टी इज दिस. सो मल्टीप्लाइंग लैम्डा बोथ साइड विल गेट दिस. So this is activity at time t. So activity at time t will be initial activity tau minus lambda t. So activity after time t is a naught e power minus lambda t. And activity after n half life is a naught into 1 by 2 to the power n. यहाँ तक कोई doubt है? नहीं? Okay. अब मैंने आपको बोला जब भी question है आपको इस form में put करके देखना. So, अभी 16 टाइम जा रहा था, अगर एक्टिविटी रख रहा अभी एक्टिविटी एनोट है तो फॉर सेफ वर्किंग एक्टिविटी शुड बी एनोट बाय 16 टाइम्स है. मतलब अगर अभी एक्टिविटी एनोट है तो सेफ लिमिट क्या है, एनोट बाय 16. सो फॉर सेफ वर्किंग एक्टिविटी शुड बी इक्वल टू एनोट बाय 16. दिस इज इक्वल टू दिस. सो 1/16 is equal to 1 by 2 to the power n. So n equal to 4. So अब गलती मत करना, 4 क्या है, number of half lives आया है, ये answer नहीं आया है. और half life period 2 है. So t equal to होगा 4 into 2 hours. ये 4 hours answer नहीं आया है. पाया कि after 4 half life it will be safe for work. और 1 half life is 2 hours. So 4 hours will be 4 into 2, 8 hours. Next question. तो back to back IIT बिल्कुल same time पूछा, उसके एक साल पहले क्या पूछा था. Electrical power needs of a city is catered by nuclear power plant. Electrical energy needs of a city is catered by nuclear power plant. Minimum nuclear energy required by city is 12.5% of present capacity of nuclear power plant. 12.5% of present capacity of nuclear power plant. If half life of radioactive nuclei used in power plant is In power plant is 4 years. Then find for how much years
रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी कैन बी कैटर्ड बाय दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट देन फाइंड फॉर हाउ मच इयर्स रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी कैन बी कैटर्ड बाय दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट हाफ लाइफ कितना है 4 इयर्स एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी इज 12.5% ऑफ प्रेजेंट कैपेसिटी एज्यूमिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और हम लोग सेम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस यूज करें पावर प्लांट कुछ नहीं मतलब वही मानना पड़ेगा ऑप्शन ए 3 इयर्स ऑप्शन बी 4 इयर्स ऑप्शन सी 12 इयर्स ऑप्शन डी 16 इयर्स ऑप्शन ई नोट फटाफट कीजिए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो सब कुछ ठीक दिख रहा है या अभी तक सब ओके हो गया इसमें तो आप कुछ भी कम है क्या कुछ भी नहीं है आपका प्रेजेंट कैपेसिटी का जो भी है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का 12.5% है देन व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट मान लो कुछ प्रेजेंट कैपेसिटी पी नॉट है इज पी नॉट इनटू 12.5/100 पी नॉट बाय 8 मतलब अभी जितना पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1/8 टाइम्स हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट अब जैसे जैसे डिके होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियर घटेगा रेट ऑफ डिके घटेगा रेट ऑफ डिके डिक्रीज करेगा मतलब पावर प्लांट का कैपेसिटी डिक्रीज करेगा तो कब तक करेगा जब वो पी नॉट से पी नॉट बाय 8 ना हो जाए सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो होगा इसका कैपेसिटी 1/8 टाइम होने में कितना हाफ लाइफ लगेगा 3 हाफ लाइफ अभी बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन किए हैं ये सब 2015 में पूछा था नंबर ऑफ हाफ लाइफ विल बी 3 नहीं अगर अभी हमारे पास एनोड न्यूक्लिया है वो जब एनोड बाय 8 हो जाएगा एक्टिविटी 1/8 टाइम्स हो जाएगा पावर हो जाएगा 1/8 टाइम्स सो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है अब हाफ लाइफ कितना है 4 सो टाइम विल बी 3 × 4 इयर्स That is equal to 12 years. Clear? Good doubt? Nahi? Aage badhte. Next. Activity of a रेडियो एक्टिव सैंपल एज टेन पावर सिक्स डीपीएस मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मेटीरियल इज 10^-3 सेकेंड इफ मास ऑफ ईच एटम इज 10^-4 gram then find mass of sample हमारे पास
कोई डेडक्टिव रेडियो एक्टिव सैंपल है उसका एक्टिविटी अभी आपको दिया हुआ 10^6 dBs, उसमें जो रेडियोएक्टिव प्रेजेंट है उसका मीन लाइफ है 10^-3 सेकेंड। ओके, अगर मास ऑफ इच एटम 10^-4 ग्राम है देन फाइंड मास ऑफ सैंपल ऑप्शन ए 10^2 ग्राम, ऑप्शन बी 10^-1 ग्राम, ऑप्शन सी 10^5 ग्राम, ऑप्शन डी 10^2 ग्राम। वो दे चुके ऑप्शन ई नोट। फटाफट करो, आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, मास ऑफ इच एटम दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड मास ऑफ सैंपल। फटाफट फटाफट कीजिए। हो गया क्या? चलो अब मैं करता हूं। आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे लोग गलती करते हैं, पैसा उन्हें क्या करें कैसे करें। आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, राइट, मींस एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू एन। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 10^6 dBs इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। अगर हमको लैम्डा मिल जाए तो हम एक परसेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकाल सकते हैं। लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू 1/T, टी मीन, टी एवरेज दिया हुआ है, ये मीन लाइफ है, ये हाफ लाइफ नहीं है, मीन लाइफ है। सो टी मीन, तो लैम्डा आ गया 10^3 पर सेकेंड। सो 10^6 इक्वल टू 10^3 इंटू एन। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट है 10^3। अब हर एटम में एक न्यूक्लियस होगा, तो जितना न्यूक्लिया है उतना एटम है। सो उस सैंपल में कितने एटम प्रेजेंट है? सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट में, सारे एटम का क्वेश्चन करवा रहा हूं, सेस और करवाऊंगा लाइव क्लास में। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सैंपल, that is 10^3, and mass of each atom 10^-4 ग्राम, so mass of sample, mass of each atom is 10^-4 ग्राम, so mass of sample, this much ग्राम, that is 10^-1 ग्राम। Am I clear? Good out? नहीं? आगे बढ़। नेक्स्ट, तो एक और सेंटर करवा लेते हैं। बिल्कुल सेम टाइप, मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, और इसके प्रैक्टिस का बेस सोर्स है क्वेश्चन बैंक। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा वो कर लो, काफी प्रैक्टिस हो जाएगा। मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10 ग्राम, then find mass of sample, then find mass of sample after 540 days if half life of material is 270 days. जल्दी करो, क्वेश्चन लिखते हैं आंसर चाहिए। हो गया, बिल्कुल सेम टाइप, आपका हाफ लाइफ है 270 डेज। सो टी दिया हुआ है 540 डेज, सो अरे नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2। सो हमने पूछा है मास ऑफ सैंपल आफ्टर 2 हाफ लाइफ, सो एन इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल बी एन नॉट 1/2, सो दैट विल बी एन नॉट 4।
सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज एन नॉट बाय फोर, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1/4 टाइम हो गया। तो जितना सैंपल का मास था अब उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सो अब जो होगा मास ऑफ सैंपल दैट विल बी इक्वल टू 10 × 1/4 2.5 ग्राम। सो मास ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1/4 टाइम्स हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम भी जाएगा 1/4 टाइम्स, नंबर ऑफ एटम 1/4 टाइम्स हो गया तो मास 1/4 टाइम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अब थोड़ा सा एक और दो चीज से बचा उसको पढ़ लेते हैं बस पूरे काम में। अब माने दो पैरेलल डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं, मान लिए ए से बी बन रहा है और ए से सी दोनों पैरेलल चल रहा है, इसके लिए डी के कांस्टेंट लैम्डा और एस के कांस्टेंट लैम्डा, मतलब ए से बी भी बन रहा है ए से सी भी बन रहा है। सो अगर हम देखेंगे नंबर ये जो होगा ये क्या होगा लैम्डा 1 × n बी के बनने का रेट, सी के बनने का रेट क्या होगा लैम्डा 2 × n और ए के डिके होने का रेट क्या होगा दिस। तो दिस इज इफेक्टिव डिके कांस्टेंट, यहां जो इफेक्टिव डिके कांस्टेंट होगा क्या होगा लैम्डा 1 + λ2, दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रहे हैं दैट्स इट, एक ए से बी जा रहा है फिर ए से सी जा रहा है। सो ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के डिक्रीज होने का दो कॉज है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों आ गया। एम आई क्लियर? सो बी के बनने का रेट लैम्डा 1 × n, सी के बनने का रेट लैम्डा 2 × n, ए के अगर यहां पे देखेंगे डी एन ए बाय डी टी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 + λ2 × n। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं? फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर दिखाएंगे चेन रिएक्शन। सो पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेस, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेज, two different processes. If half life of first process is 6 hours and half life of second process is 12 hours, then find effective half-life for radioactive nucleus option A 18 hours, option B 12 hours, option C 6 hours, option D 4 hours, option E not. बिल्कुल सेम डब्ल्यू करवाया हूं। इट कैन डिके थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस, इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज 6 आवर, हाफ लाइफ सेकंड प्रोसेस इज 12 आवर, देन फाइंड इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। हो गया सिंपल। अब भी हम लोग पढ़े लैम्डा इफेक्टिव इक्वल टू लैम्डा 1 + λ2, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हमको पता है कि टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाय लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। कोई दिक्कत? टी हाफ इज 0.693 बाय लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो इसको लिखते हैं 0.693 बाय टी हाफ इफेक्टिव इक्वल टू
0.693 by T1 plus 0.693 by T2. For T1 and T2 is half-life of first and second process. T1 and T2 are half-life of first and second process. Then T1 and T2 are half-lives of first and second process. So 0.693 cancel. What we got? 1 by T. What we got? 1 by T effective equal to 1 by T1 plus 1 by T2. अब तो निकल जाएगा T effective जो आपका आएगा वो आएगा T1 T2 by T1 plus T2. It's a 4 hours. आंसर क्या होगा? 4 hours. Clear? Next. So, अभी हमने पढ़ा पैरेलल दो डिफरेंस. अब मान लेगा चेन रिएक्शन है ए टू बी बी टू सी. मतलब जो मेरा बी न्यूक्लियस है वो भी स्टेबल नहीं है. मान लिए ए से बी गया और बी टू सी गया, ये स्टेबल है. इसके लिए डीके कॉन्स्टेंट लैम्डा, इसके लिए कॉन्स्टेंट लैम्डा टू. सो अब मेरा माइनस डीएनए बाय डीटी क्या होगा? यहां तो सिंपल एक सिंगल है लैम्डा वन इंटू है, इसमें कोई दिक्कत. ए से बी बन ए के डीके होने का रेट ये है. अब बताओ माइनस डीएन बी बाई डीटी होगा, बी के डीके होने का रेट ये होगा. अगर ए से बी नहीं बनता, मान सिर्फ बी डीके होता तो क्या होता? लैम्डा टू एन बी. ये होगा बी के डीके होने का रेट. बट यहां बी बन भी रहा है किस रेट से? इस रेट से. सो माइनस लैम्डा वन. ये समझ में आया कि नहीं? समझो अगर सिर्फ होता बी टू सी तो B से C बनता, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियर B डिक्रीज होता किस रेट से? इस रेट से. सो ये B के नंबर ऑफ न्यूक्लियर के डिक्रीज होने का रेट और A से B बन रहा है इस रेट से, तो ये है A के बनने का रेट. सो नेट डिक्रीज होने का रेट ये है. सो इसलिए का मतलब ऑफ न्यूक्लियर B जीरो है तो इनिशियली इसके बनने का रेट ज्यादा होगा, इसके डिक्रीज होने का रेट कम होगा. एट T इक्वल जो सिर्फ ये बन रहा है इसका डिक्रीज जीरो है बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियर B जीरो था. अगर आप इसको ये कर दो, अगर हम कहें B के बनने का रेट, नेट B के बनने का रेट क्या है? सो B बन रहा है इस रेट से बट वो डिके भी हो रहा है इस रेट से. सो ये B के नंबर ऑफ न्यूक्लियर बढ़ने का रेट. इनिशियली मेरा ये जीरो है एंड B जीरो है तो सिर्फ B बना था एट T इक्वल जीरो. अब जैसे जैसे B बनेगा उसके डिके का रेट बढ़ेगा और ये रेट घटेगा क्योंकि तो एन ए घट रहा है. टाइम के साथ ए घटेगा एन ए घटेगा तो ये घटेगा ये बढ़ेगा. ये मैक्सिमम कब होगा? इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ न्यूक्लियर बी जीरो. अब ये इसके रेट नेट बनने का रेट है तो पहले बनने का रेट ज्यादा है डीके का रेट कम है. बट धीरे धीरे डीके का रेट बढ़ रहा है बनने का रेट घट रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर मैक्सिमम होगा जब ये जीरो, जब ये टर्म जीरो हो जाए मतलब बनने का रेट इक्वल हो जाए डीके का रेट. ऐसे भी अगर एनपी मैक्सिमम मतलब डीएनपी बाई डीटी शुड बी जीरो. पहले एक और लिख लेते हैं सी के बनने का रेट क्या होगा. सी सिर्फ बन रहा है डीके स्टेबल निकलिया है इसके बनने का रेट क्या है लैम्डा टू एन बी. जिस रेट से बी डीके होगा उस रेट से सी बनेगा राइट एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर बी विल बी मैक्सिमम इफ डी एन बी बाई डी टी जीरो. ये जीरो हो जाए मीन्स लैम्डा वन एन ए इज इक्वल टू दिस. ये सिंपल है भाई. ए से बी बन रहा है डी से सी बन रहा है मतलब यहां पे डी डीके हो रहा है यहां पे बी का फॉर्मेशन हो रहा है. इनिशियली रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है रेट ऑफ डीके कम है बट टाइम के साथ रेट ऑफ डीके बढ़ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज हो रहा है. तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा उस समय बी का नंबर मैक्सिमम होगा उसके बाद ये तेजी से डीके होगा बी का नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. हाँ या नहीं? या आप लोग कपा चुके केमिकल डायनामिक्स में भी यहां तक कोई दिक्कत?
नहीं, अब देखो इसमें करने को बहुत सारा क्वेश्चन करवा सकते हैं, सो बहुत टाइम लगेगा, सो अब हम लाइव क्लास में देखेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस करवाना है। सो मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूँ। सो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स एंड हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर फिजिक्स। ओके, बाय बाय।